नमस्कार, मैं डॉक्टर धारा, डाइट, योगा एंड आयुर्वेदा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी कौन सी आयुर्वेदिक हर्ब कितनी मात्रा में लेने से हाइट बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो चले शुरू करते हैं। अश्वगंधा जो तनाव विरोधी और कायाकल्प करने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। अश्वगंधा हड्डियों की चौड़ाई बढ़ाता है और घनत्व में सुधार करने के लिए जाना जाता है। 2 चम्मच अश्वगंधा के पाउडर को गाय के गर्म दूध फ्रेश गुड़ के साथ 45 दिनों तक रात में लेने से उसका असर मिलेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन है अश्वगंधा के पाउडर को खजूर, काले तल और गाय के दूध के साथ ले सकते हैं। अश्वगंधा के ज्यादा इफेक्ट के लिए जंक फूड, चाय, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग अवॉइड करें। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम लेडीज अश्वगंधा ना लें। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ऑटो इम्यून डिसीज, टाइप 1 डायबिटीज, हाजीमोटोस, थायरोडाइटिस और रूमेटोइड आर्थराइटिस के पेशेंट अश्वगंधा अवॉइड करें। गुड़ूची जो इम्यूनिटी बढ़ाती है उसके साथ में एंटी डायबिटिक, एंटी स्ट्रेस, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एलर्जिक भी है। आधी चम्मच गुड़ूची के चूर्ण को मध या गर्म पानी के साथ खाने के बाद दिन में 2 बार ले सकते हैं। गुड़ूची के क्वाथ 2 से 3 चम्मच 2 बार ले सकते हैं। गुड़ूची की 1 से 2 टेबलेट को दिन में 2 बार खाने के बाद ले सकते हैं। गुड़ूची के जूस 2 से 3 चम्मच खाने से पहले 1 से 2 बार ले सकते हैं। गुड़ूची की टहनी का जूस 1 से 2 चम्मच मध के साथ खाने के बाद दिन में 2 बार ले। गुड़ूची डायबिटीज यानी कि मधुमेह को कंट्रोल करती है। अगर आपको डायबिटीज है तो गुड़ूची को डॉक्टर की सलाह के अनुसार प्रयोग करें। गुगुलू जो थायराइड हार्मोन को नियंत्रित करता है और हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट के लिए अच्छा है। जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइट की समस्या है उनकी बॉडी के हार्मोन को गुगुलू संतुलित करता है। गुगुल स्टोरोन 75 से 150 मिलीग्राम की मात्रा में 12 से 24 सप्ताह तक दैनिक रूप से लिया जाना चाहिए। मैक्सिमम 500 मिलीग्राम रोज दिन में 2 बार ले सकते हैं। उसकी साइड इफेक्ट में सिर दर्द, माइल्ड नोसिया, मतली, बेल्चिंग और हिचकी हो सकती है। त्रिफड़ा जो हरड़े, आमड़ा और बेहरा का मिश्रण है जिसको आप रोज ले सकते हैं। त्रिफड़ा के कई स्वास्थ्य लाभ है जैसे कि रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, पाचन समस्या को सॉल्व करता है, वजन नियंत्रित करता है, कब्ज से तुरंत राहत दिलाता है, ऊर्जा को बढ़ाता है, सूजन को कम करता है। त्रिफड़ा को स्किन के लिए, कैंसर रोकने के लिए, बालों के लिए, डैंड्रफ के लिए, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रोकने के लिए, एलर्जी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। जब आप त्रिफला लेना शुरू करते हो तो शुरू में माइल्ड लूज मोशन 1 से 3 दिन तक होता है, उसके बाद त्रिफला आपकी बॉडी को सूट हो जाता है। त्रिफला पाउडर आधी से 2 चम्मच पानी या मध के साथ सुबह 1 बार ले सकते हैं। त्रिफड़ा कैप्सूल या टेबलेट पानी के साथ दिन में 2 बार ले सकते हैं। त्रिफड़ा जूस को 2 से 3 चम्मच सेम क्वांटिटी पानी के साथ खाने से पहले दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं। सतावरी जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी भरपूर मात्रा में होते हैं, वो इन्फ्लामेशन को रोकता है और बॉडी के लिए ठंडा है। सतावरी के चूर्ण को 3 से 10 ग्राम दूध, जूस या गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। 5 से 10 ml सतावरी टिंचर दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। 1 से 2 टेबलेट दिन में 2 बार 1 घंटा खाने से पहले या 2 घंटा खाने के बाद पानी या गर्म दूध के साथ आप ले सकते हैं। कसाई या जूस को 2 से 3 चम्मच दिन में 1 बार ले सकते हैं। 1/4 से 1/2 चम्मच अवले या पेस्ट भी आप ले सकते हैं। जिनको अस्पार्गस फैमिली से साइड इफेक्ट होता है जैसे कि अस्थमा, स्किन एलर्जी या हार्ट रेट बढ़ते हैं, वो लोग सतावरी ना ले। जो डायूरेटिक मेडिसिन ले रहे हैं, डायबिटीज, हार्ट डिसीज या लंग डिसीज हो तो सतावरी अवॉइड करें। ब्रेस्ट में फाइब्रोसाइस्टिक या इस्ट्रोजन इंड्यूस्ड डिसऑर्डर हो तो सतावरी ना ले। आमले की आमला विटामिन सी का भरपूर स्रोत है, उसमें डायटरी फाइबर भी ज्यादा मात्रा में है, एंटी ऑक्सीडेंट होने के कारण स्ट्रेस दूर करता है और एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने से एसिडिटी, अल्सर, लूज मोशन, ब्लड शुगर का कम होना और उच्च
रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर होता है। फीडिंग करवाने वाली लेडीज को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आंवला ले, 3 से 4 चम्मच आंवला जूस 1 से 2 बार ले सकते हैं। 1/4 से 1/2 चम्मच आंवला पाउडर दिन में 2 बार ले सकते हैं। 1 से 2 आंवला कैप्सूल या टेबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं। 2 से 3 आंवला कैंडी 1 दिन में ले सकते हैं। 1/2 से 1 चम्मच आंवला पेस्ट भी आप ले सकते हैं। ज्यादा एसिडिटी, ज्यादा मात्रा में वजन कम होना और कभी कभी थोड़ा सा पेट दर्द आंवला से हो सकता है। बला की जड़ का प्रयोग आयुर्वेदिक कायाकल्प चिकित्सा में उत्तेजक उपचय प्रकृति के कारण किया जाता है। इसके रेजुविनेशन गुण मांसपेशियों का टोन बढ़ाने और ताकत बढ़ाने के लिए है। बला का प्रयोग शरीर और मस्तिष्क में तनाव कम करने के लिए भी कर सकते हैं। बला का पाउडर 2 ग्राम दिन में 2 बार ले सकते हैं। 4GM1 1 ग्राम बला का कॉन्सेंट्रेटेड पाउडर दिन में 2 बार ले सकते हैं। 3 से 6 चम्मच फ्रेश जूस भी आप ले सकते हैं। बला में एफीड्रीन होता है जिसके कारण US में बैन है। बला को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही ले क्योंकि उससे बहुत सारी साइड इफेक्ट हो सकती है। बला को यूज करने वाले कॉफी, चाय, कोला नट, ग्वाराना और मेट जैसे कैफीन वाले पदार्थ यूज ना करें। अस्थि श्रृंखला या हड़जोड़, इनके तनों और पत्तों से निकाले गए ताजा रस का इस्तेमाल ज्यादातर बीमारियों में किया जाता है। पाउडर के रूप में यह कई आयुर्वेदिक योगों में छोड़ा जाता है। हड़जोड़ विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि फिनोल, टेनिन, कैरोटीनॉइड और उसमें मौजूद विटामिन सी के कारण अपने फ्रैक्चर हीलिंग गुणों के लिए प्रसिद्ध है। आयुर्वेद के अनुसार हड़जोड़ के रस को गाय के घी या 1 कप दूध के साथ लेने से हड्डी को छोड़ने में मदद मिलती है। यह लिपिड और वसा के संचय को रोकता है और चयापचय बढ़ा के वजन कम करने में मदद करता है। हड़जोड़ अपने एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लामेटरी गुण के कारण घाव भरता है, उसका दर्द कम करता है और इन्फ्लामेशन कम करता है। डोसेज 300 से 3200 मिलीग्राम 1 दिन की मात्रा में आप हड़जोड़ ले सकते हैं। कम से शुरू करके धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। डेली 500 से 1000 मिलीग्राम तक डोज लेना ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि 1200 मिलीग्राम से ज्यादा अर्क के रूप में या हड़जोड़ का रस 40 ml से अधिक या 6 मिलीग्राम से ज्यादा हड़जोड़ का पाउडर लिया जाए तो उसकी साइड इफेक्ट होती है। पित्त प्रकृति वाले लोगों को कम मात्रा में भी दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट होता है। ये साइड इफेक्ट में मुंह का सूखना, गर्मी महसूस होना, जलन, नींद ना आना, सिर दर्द, चक्कर, बेचैनी, पसीना आना और कभी कभी दस्त होता है। गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को हड़जोड़ नहीं लेना चाहिए। हड़जोड़ डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही हड़जोड़ को इस्तेमाल करें। अर्जुन की छाल का इस्तेमाल हार्ट और कैंसर की चिकित्सा में किया जाता है। लीवर को संरक्षण करने के लिए, डायबिटीज के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, रोगाणु विरोधी और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी अर्जुन का यूज होता है। अर्जुन की छाल का चूर्ण 2 से 3 ग्राम शहद के साथ लंच या डिनर के बाद ले सकते हैं। 1 से 2 अर्जुन टेबलेट या कैप्सूल पानी या दूध के साथ लंच या डिनर के बाद ले सकते हैं। अर्जुन टी भी आप ले सकते हैं। अर्जुन टी बनाने के लिए 1 कप पानी और 1 कप दूध को गर्म करें और उसको 1/2 कप होने दें। उसमें 1 से 3 ग्राम अर्जुन टी डालें और 1 से 2 बार दिन में सुबह शाम आप ले सकते हैं। अर्जुन की एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट अच्छी तरह से टॉलरेट कर सकते हैं। उसमें कब्जी, सिर दर्द और पेट की परेशानी का समावेश होता है। अर्जुन की छाल एंटी प्लेटलेट, एंटी कोएगुलेंट और थायराइड हार्मोन के लिए भी असरकारक है। लाक्सा, लाख जो आयुर्वेद के अनुसार नेचुरल सप्लीमेंट है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है। आमतौर पर उसे कई आयुर्वेदिक औषधियों के साथ प्रयोग किया जाता है। लाख का डोसेज आरोग्य, उम्र, लक्षण और बीमारी के ऊपर आधारित है। उसका जनरल डोसेज 100 से 1000 मिलीग्राम होता है, परंतु 2 ग्राम से ज्यादा लाख नहीं ले सकते। गाय के दूध, शहद या हनी के साथ लाख को ले सकते हैं। लाक्षा का आंतरिक प्रयोग दस्त, डिसेंट्री, आंतों के कीड़े, आंतरिक रक्तस्राव, हिचकी, खांसी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हड्डियों के घनत्व और मोटापे के लिए किया जाता है। लाख के बाहरी प्रयोग चोट लगना, फंगल इन्फेक्शन, खुजली और दाद के लिए होता है। लाक्षा का कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक नहीं देखा गया। यष्टिमधु, जेठी मध एंटीऑक्सीडेंट, रोगाणु विरोधी, तनाव विरोधी और एंटी इन्फ्लेमेटरी
गुण वाला है। यह बढ़ती ऊंचाई के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यह संक्रमण को कम करता है और तनाव दूर करने में मदद करता है जो विकास में बाधा बन सकते हैं। बच्चों के लिए 250 मिलीग्राम से 1.5 ग्राम तक और बड़ों के लिए 1 से 3 ग्राम मैक्सिमम 6 ग्राम डेली डोजेज डिवाइड करके ले सकते हैं, जो पानी गर्म दूध के साथ खाने से पहले लेना ज्यादा अच्छा होगा। थोड़ी साइड इफेक्ट जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, खून में पोटेशियम की कमी, सोडियम का बढ़ता लेवल, पेट का फूलना, शरीर में तरल का बढ़ना होता है। प्रवाल पिस्टी कोरल कैल्शियम, जो हड्डियों में कैल्शियम की कमी से होने वाले बोन लॉस में मदद करता है। इसे खाने से हड्डियों की हेल्थ अच्छी रहती है और हाइट बढ़ाने में मदद करता है। 125 से 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार शहद, बटर या घी के साथ आप उसको ले सकते हैं। खून में जरूरत से ज्यादा कैल्शियम का बढ़ना प्रवाल पिस्टी का साइड इफेक्ट है। शिलाजीत, जो हिमालय में कुदरती रूप में मिलता है, जो काला या ब्राउनिश कलर के पाउडर है, जो नव यौवन प्रदान करता है और एंटी एजिंग एजेंट भी है। सबसे अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो ऊंचाई बढ़ाने में मदद करती है, बॉडी को स्टेमिना स्ट्रेंथ देती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, वजन कम करती है, स्मरण शक्ति बढ़ाती है, कामेच्छा में वृद्धि करती है और इमोशन को काबू में रखती है, उसमें शिलाजीत का समावेश होता है। सुबह या शाम 30 से 40 मिनट खाने के बाद और 1 घंटा सोने से पहले पानी या गर्म दूध में मिलाकर आप शिलाजीत ले सकते हैं। रोज 300 से 500 मिलीग्राम की मात्रा में आप शिलाजीत ले सकते हैं। हृदय की बीमारी, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप की समस्या से होने वाले पेशेंट को शिलाजीत नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हाइट बढ़ाती है, उसमें धातु पौष्टिक वटी 2 टेबलेट खाने के बाद दिन में 2 बार गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। उसके अलावा सत्तावनी चूर्ण 3 ग्राम खाने के बाद दिन में 2 बार गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। द्राक्षा सौ 15 ml दिन में 2 बार खाने के बाद समान मात्रा में पानी के साथ ले सकते हैं। उसके अलावा आयुर्वेदिक थेरापी जैसे कि बस्ती हर्बल मेडिकेटेड एनीमा और नस्य हर्बल मेडिकेटेड तेल की बूंदों को नाक में डालना स्पाइनल कोलम के विकास को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण, कशेरुक या कुसन के लिए रीढ़ की हड्डी को आयुर्वेदिक तेल, अश्वगंधा तेल, लाक्षादि तेल या बला तेल या दोनों को साथ में मिलाकर दैनिक मात्रा में मालिश किया जाना चाहिए, जिसे आयुर्वेद में अभ्यंग कहते हैं। उसके अलावा आयुर्वेद की रसायन चिकित्सा, जो सब उत्तकों टिश्यू की ताकत बढ़ाता है, जो उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करता है, स्मृति बढ़ाता है, महत्वपूर्ण अंगों के कामकाज में सुधार करता है और सभी उत्तक टिश्यू को पोषण देता है। कायाकल्प थेरापी, ये आयुर्वेदिक चिकित्सा शरीर के साथ साथ मोटर और संवेदी अंगों को शक्ति प्रदान करता है, यह सभी टिश्यू को पोषण प्रदान करता है। सुवर्ण प्राशन थेरापी, जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ाता है और उनकी हाइट भी बढ़ाता है। सुवर्ण प्राशन के बारे में डिटेल में मैं आपको जल्दी ही वीडियो शेयर करूंगी। योगा और सूर्य नमस्कार हाइट बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। कौन कौन से योगा कितनी देर तक करना चाहिए, उसके लिए ये वीडियो जरूर देखें। पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलना हाइट बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हाइट बढ़ाने के लिए क्या खाए, उसके लिए वीडियो जरूर देखें। बढ़ा हुआ वजन हाइट बढ़ाने के लिए रुकावट है, तो अपना वजन कम करें। डेफिनेटली आपकी हाइट 25 साल के बाद बढ़ सकती है, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।